और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्लास्टिक की समस्या बड़ी है, जिसका समाधान ढूंढने की कवायद अलग अलग तरह से होती रही। ऐसी ही एक कोशिश की है महाराष्ट्र के सांगली के एक नौजवान ने। उन्होंने सांगली के अरवाड़े गांव में प्लास्टिक से बांध बना दिया है। उनका दावा है कि इससे गांव में पानी और प्लास्टिक दोनों से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। ये बांध, ये छोटा सा तालाब एक प्रयोग है प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए। ये बांध 17.5 टन प्लास्टिक कचरे से बना है, जिसे महाराष्ट्र के सांगली जिले के अरवाड़े गांव में बनाया गया है। प्लास्टिक से बांध बनाने की ये तकनीक विकसित की है सांगली के ही एक नौजवान सचिन देशमुख ने। कोशिश यही कि पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए प्लास्टिक से छुटकारा मिल सके और पानी की समस्या का भी समाधान हो जाए। अभी ये जो कुछ हमने डैम बनाया, तो डैम बनाने के लिए हमने दो तरफ सीमेंटेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया और उसमें तीन लेयर के अकॉर्डिंग हम जो कुछ प्लास्टिक है उसको हमने 60 टन हाइड्रोलिक प्रेस करके बहुत सारा प्लास्टिक एक बेल के रूप में जनरेट किया और उसको इस डैम में तीन लेयर में हमने मर्ज किया। उसमें डेंसिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ जो अवेलेबल सोर्स है, जैसे कि पत्थर है या मरुम है, उसका इस्तेमाल किया और ये जो डैम है ये विद इन 1 मंथ ये डैम है जो तैयार हो गया। अभी ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज अगर देखा जाए तो प्लास्टिक में बहुत सारी वैरायटी है और शेप है, साइज है, प्रॉपर्टीज है, और ये जो कुछ कीचड़ में पड़ा हुआ प्लास्टिक या रोड साइड में पड़ा हुआ प्लास्टिक जो खराब है उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर सोल्यूशन चाहिए तो उसको वॉशिंग, कटिंग, ड्राइंग, ये बहुत सारी प्रोसेस से हमारे को गुजरना पड़ता था। सचिन देशमुख ने ये प्रयोग साल 2019 में किया, ये बांध बनाकर और अपनी इस तकनीक का पेटेंट भी करा लिया। उनका मानना है कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्लास्टिक को रिसाइकल करने की भी जरूरत नहीं है, लिहाजा इसमें पैसे की भी बचत होती है और ज्यादा संसाधनों की भी जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस एक सीमेंट कंक्रीट फ्रेम बनाया जाता है और इस प्लास्टिक को पिचिंग द्वारा भरा जाता है और फिर कंक्रीट की एक और परत के साथ पैक किया जाता है। सचिन का मानना है कि उनकी इस तकनीक को अगर देश भर में मॉडल के तौर पर अपनाया जाए तो प्लास्टिक से होने वाले खतरे को रोकने में मदद तो मिलेगी ही, पानी की समस्या भी हल होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी तक तो हमने इसे ये क्रैक कर दिया कि इस प्लास्टिक का जो डैम है इसमें हमने 17.5 टन प्लास्टिक इस्तेमाल किया। आने वाले दिनों में हमने पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है कि जो वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन टेक्नोलॉजी, जिससे हम ब्रिक तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कुछ शेयरिंग वॉल है कि जो हमने सीमेंटेड स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है, उसको हम आने वाले दिनों में जो कुछ है प्लास्टिक के जो कुछ वॉल है उसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करके ये जो कुछ प्रॉपर प्लास्टिक का जो डैम है उसका भी स्ट्रक्चर हम आगे करेंगे। सचिन ने वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन भी बनाई है, जिससे बेकार प्लास्टिक से पेविंग ब्लॉक और ईंटें बनती है और इन ईंटों का इस्तेमाल फुटपाथ बनाने में भी किया जा सकता है। इसका उपयोग सड़क और घर निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। स्वाति चिखलकर, सांगली, गुड न्यूज टुडे।